Students, good morning. How are you? Welcome back to our another video on coordination compounds. Today I will discuss about the crystal field theory. Okay students, before going to crystal field theory, I would like to tell about the balanced bond theory. What was the advantages of balanced bond theory? So balanced bond theory explains the formation of coordination complex. Balanced bond theory explains the structure of coordination complex. Balanced bond theory also explains the magnetic behavior of coordination compounds. But it fails to explain the various things, like it involves a number of assumptions. Okay, it does not give quantitative interpretation of magnetic data. It does not explain the color exhibited by coordination compounds. It does not give quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stabilities of coordination complexes. Okay, it does not make exact predictions regarding the tetrahedral and square planar structures of the coordination complexes having four coordination numbers. It does not distinguish between weak and strong ligands. Okay, तो इतनी सारी बातों को explain नहीं कर पाया balanced bond theory. तो उस के जगह पर जो है crystal field theory जो है बच्चों existence में आया. Crystal field theory. Heading लगाया कि crystal field theory. बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था, मेटल और लिगेंड के बीच जो बांध बांध रहा था उसको कोवैलेंट बांड की तरह से दिखला रहा था, बतला रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था. लेकिन यहां पर जो है जो लिगेंड होता है उसको पॉइंट चार्ज के रूप में एज्यूम किया जाता है. ओके, सीएफटी में क्या किया जाता है, लिगेंड इज लिगेंड टेकन एज पॉइंट चार्ज. ठीक है, लिगेंड जो है पॉइंट चार्ज होता है, मेटल पर भी चार्ज होता है. तो चार चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बांड, आयनिक बांड बनता है, अर्थात यह आयनिक बांड की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, तो सीएफटी क्या है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इलेक्ट्रो स्टैटिक मॉडल. ओके, मतलब आयनिक बांड के बारे में यह बतलाता है. मेटल लिगेंड बांड, मेटल लिगेंड बांड इज आयनिक. ओके, एंड अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. Between metal ions and ligands, between metal ions and ligands,
फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि बैलेंस बांड थ्योरी जो होता है वो कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए जो है क्रिस्टल थ्योरी जो है एक्जिस्टेंस में आया। और इसमें जो है बच्चों, लिगेंड को फाइन चार्ज के रूप में एज्यूम किया जाता है, ओके। और सीएफटी जो है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, आयनिक बांड मेटल और लिगेंड के बीच आयनिक बांड की तरफ इंडिकेट करता है, ओके। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, मेटल लिगेंड बांड इज आयनिक एंड अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड, ओके। तो इसमें बच्चों होता क्या है कि जो लिगेंड, तो दो तरह के होते हैं लिगेंड हमारे, दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज और दूसरा होता है बच्चों न्यूट्रल। ओके, जो निगेटिवली चार्ज लिगेंड है उसको हम कहते हैं एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड। और दूसरा जो न्यूट्रल होता है डायपोल की तरह से होता है, कार्य करता है, इसको डायपोल माना जाता है। और एनायनिक जो लिगेंड होता है उसको पॉइंट नेगेटिव, है ना, क्या बोलते हैं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज से यूज किया जाता है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक। तो इसमें लिगेंड को पॉइंट चार्ज के रूप में सपोज किया जाता है, यदि निगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है तो उसको निगेटिव पॉइंट चार्ज, और यदि न्यूट्रल है तो उसको हम डायपोल की तरह से ट्रीट करते हैं, ओके। इतना कर रहे हो गया, इतना ना चल। बच्चों जो डी के ऑर्बिटल्स होते हैं फाइव, ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस मेटल एटम में उनकी एनर्जी सेम होती है, उनको डिस्क्रीट ऑर्बिटल भी कहा जाता है या डीजनरेट ऑर्बिटल भी कहा जाता है, उनकी एनर्जी सेम होती है, सिमेट्रिकल होते हैं सबके सब, पर जब उनकी डिजेनरेसी जो होती है तभी तक बनी रहती है जब तक कि उसके पास कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है, लिगेंड नहीं आता तब तक जो उसकी डिजेनरेसी जो होती है वो बना रहता है। आइए ये सब बातें आप लोगों को बताते हैं। द फाइव डी ऑर्बिटल्स, द फाइव डी ऑर्बिटल्स, ओके, द फाइव डी ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम, मेटल एटम और आयन है सेम एनर्जी, है सेम एनर्जी
that is they are degenerate. That is they are degenerate. Okay? तो आर पार्टिकल जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, ठीक. दिस डीजनरेसी इज मेंटेन, दिस डीजनरेसी इज मेंटेन्ड इफ आ सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज ओके सराउंड्स द न्यूटन, ये टर्म्स न्यूटन एटम या न्यूटन आयन. यदि सिमेट्रिकल नेगेटिव चार्ज चारों तरफ घेरता है तो उसकी डीजनरेसी जो होती है मेंटेन रहती है. वेन दिस नेगेटिव फील्ड इज, दिस नेगेटिव फील्ड इज due to ligands in a complex in a complex it becomes asymmetrical asymmetrical okay and the degeneracy is lifted it results in splitting of the air particles it results in the splitting of d orbitals ठीक है. तो बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए स्प्लिट पर ही डिपेंड करता है. अच्छा, जो पांच d orbital होते हैं किसी आइसोलेटेड बेसिक मेटल एटम या आयन, उनके एनर्जी सेम होती है. एनर्जी सेम होने को उनको डीजनरेट कहा जाता है. या डीजनरेसी तब तक मेंटेन होती है जब तक मेटल के चारों तरफ कोई सिमेट्रिकल फील्ड होता है नेगेटिव चार्ज का. नेगेटिव चार्ज कहां से आता है? लिगेंड के द्वारा आता है, चाहे वो एनायनिक हो या न्यूट्रल लिगेंड हो. और जब ये नेगेटिव फील्ड जो होता है एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, तो डीजनरेसी जो आर बाइटल की वो समाप्त हो जाती है. इससे भी आर बाइटल जो होता है पाइप जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं.
जाते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो वीक आर्बिटल होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको आप नोट करें। विचार मान लीजिए कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, ठीक है। तो डबल डंबल से होता ही है, जान नहीं आप इसको कहेंगे हम डी एक्स वाई, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाई है और ये जेड है, एक्सिस के जब बीच में आएगा डी वाई जेड बोलेंगे, डी वाई जेड। ऐसे ही ये मान लीजिए कि जेड एक्स है डी जेड एक्स, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यदि एक्सिस के अलोंग है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या कहेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। तो मान लीजिए बी जेड एक्सिस है, इसी के अलोंग है कहते हैं डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये पांच जो है डी आर वाई कर सकते हैं, ये तीन जो होती है बिटवीन द एक्सिस होती है इनकी एनर्जी कम होती है, और ये लॉन्ग एक्सिस वाले होते हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक। इतना नोट करना है, ट्रैक करना है, उसके बाद कार्रवाई बिटा दू बिटा दू। वन अब बच्चों आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे है। मान लीजिए कि जो है यदि आर्बिटल है आर्बिटल हो गए, ठीक है, थ्री मीटर आयन ये है, ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले क्या होगा जब चार्ज थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा चार्ज बढ़ेगा एक दो तीन चार पांच, ठीक है।
स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड है, अभी तक डिजेनरेसी इसका मेंटेन है। ठीक है, जब कोई लिगेंड आता है इसके पास में तो फिर क्या होगा, यहां से जो होगा ये टूटेगा दो सेट में, एक जो होगा उसकी एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से दो सेट में टूट जाता है। यहां पर इसको हम इजी करते हैं, इसको कहते हैं टी टू जी। ठीक है, इजी और टी टू जी, ये एनर्जी लेवल है समझिए। ठीक है ना, तो ये फाइव सिमेट्रिकल जो थे टूट जाते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है, तो एनर्जी कम हो जाती है। अब यहां पर जो डिफरेंस आता है इन दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस आता है उसको डेल्टा ओ कहा जाता है, डेल्टा ओ। ठीक है, डिफरेंस इन एनर्जी। अच्छा, और इसको यहां से यहां तक यदि मिलाया जाए तो ये इतना पार्ट कितना होगा, थ्री बाई फाइव होगा, ये जो है थ्री बाई फाइव है डेल्टा ओ का, और ये टू बाई फाइव है डेल्टा ओ का। ठीक, यहां से यहां तक कितनी एनर्जी है, थ्री बाई फाइव आप डेल्टा ओ, और यहां से यहां तक की एनर्जी जो है टू बाई फाइव है आप डेल्टा ओ का। ठीक, स्प्लिटिंग आता है सर, यहां पर क्या होगा स्प्लिटिंग आपका हेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, डेल्टा ओ को क्या कहा जाता है, डेल्टा ओ एनर्जी ऑफ सेपरेशन, एनर्जी ऑफ सेपरेशन। इतना ट्रैक कर रहे हैं, तो टी टू जी जो था तीन जो टी का टी वाई बी जे को कहा जाता है, टी जी जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जे स्क्वायर को कहा जाता है। ठीक, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जटिल लगाया गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपका है टर्म कॉम्प्लेक्स आपका इधर कॉम्प्लेक्स नहीं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मान लें
थ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों, डी में तीन इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा जो डी टू जी है उस पर थ्री होगा और ई जी पे जी, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होगा, बस यही इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन है। यदि डी फोर है बच्चों क्या हो जाएगा, डी टू जी फोर हो जाएगा, ई जी थ्री होगा और पीजी वन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है लिगेंड के प्रदेश को, डिपेंड करता है कि लिगेंड आपका जो है स्ट्रांग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों ये चार इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये होगा डी टू जी थ्री है ना और ईजी वन, और दूसरे कट में क्या होगा ई टू जी फोर हो जाएगा, बेरिंग हो जाएगा और ईजी जीरो। ये किस कंडीशन में होगा, जब वीक फील्ड लीगेज होगा, वीक फील्ड लीगेज, वीक फील्ड लीगेज की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगा, और जब स्ट्रांग फील्ड लीगेज है तो पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान रहे हैं, चलिए मान रहे हैं क्या बात है। अब लिगेंड के बारे में बता देते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड नोट करना, उसके बाद बताते हैं लिस्ट ऑफ बता देते हैं वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ठीक है। डन, चलो तो हेडिंग लगाए बच्चों वीक स्ट्रांग फील्ड लीगेंड, स्ट्रांग फील्ड लीगेंड, स्ट्रांग फील्ड लीगेंड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बोनिल ग्रेटर है, साइनाइड ग्रेटर है, इथेन वन नंबर टू डाइएमीन ग्रेटर देन एनएल थ्री, ठीक है। स्ट्रेंथ का बच्चों रेटिंग लगा लो, इसके बाद वीक फील्ड लीगेंड दुनिया होता है, इसको छोड़ करके जितने हैं, ठीक है ना, वो दुनिया करते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, नाइट्राइट नाइट्रेट सल्फेट ऑक्सीलेट एसीटेट ईटीसी, सब के सब वीक फील्ड लीगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लीगेंड में CO, CN, EN, NH3, ठीक। ये नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विचार कर चलिए, तो दो कंडीशन होता है बच्चों, स्प्लिटिंग जब होगी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, कह रहा है इफ लैम डेल्टा ओ इज लेस देन पी, पी स्टैंड फॉर पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा और डेल्टा ओ कम होगा, तो
क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ईजी में, विल गो टू ईजी, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, कंफिगरेशन क्या होगा, पी टू जी थ्री ई जी वन, और इस स्थिति में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, तभी पेयरिंग नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो बच्चों पेयरिंग नहीं होगा, इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाते होते हैं तो हाई स्पीड या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनता है, और जो सब्सटेंस होता है वो पैरा मैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक, ये चार बातें हैं, ठीक है, नोट करना इसको। सेकेंड कंडीशन इज नहीं है, तो इफ है, सॉरी यहां पर इज से लिखा था, गलत लिखा था, ठीक है, इफ है तो बेटा है। सेकेंड कंडीशन है इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, पेयरिंग नहीं है, आप पैदल स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है, पी टू जी एनर्जी कम, इजी एनर्जी ज्यादा, ठीक। तो क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा टी टू जी फोर ई जी जीरो, ओके। और ये कब होगा, ये उस कंडीशन में होगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रांग फील्ड, अभी आपको बताया गया है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड सीओ होता है, सीएन होता है, ईएन होता है, सी होता है, और जब पेयरिंग हो जाती है बच्चों तो इसको कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बच्चों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में तो हम दो बातें कर सकते हैं, एक यदि मान अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी बच जाता है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं तो डायामैग्नेटिक, यदि पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक, इन केस आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन केस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि
अनप्रेडिक्टेड का नेगेटिव है तो पैरा नेगेटिव, ठीक है। तो नोट कर लें, लो स्पीड कॉम्प्लेक्स हो गया, स्ट्रांग फील्ड लीगेंड इंपेडेंस के सब होता है, इनर मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, लो स्पीड कॉम्प्लेक्स, डाया मैग्नेटिक, यदि पीयर इलेक्ट्रॉन पैरा मैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर उसके मास ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लें, हो गया। अब बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आपका हेडर तो हो गया, अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप बताएंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंटिंग इन टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वह कॉम्प्लेक्स होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इसमें बच्चों जैसे ये एनर्जी कितना देते हैं, ये एनर्जी हो गया, ये भी सिमेट्रिकल ही है, उसके बाद जो है इससे स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होने के बाद यहां पर 3 आर्बिटल्स बनेंगे, टी टू जी हो जाएंगे और ये ई जी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नाम वगैरह लिख दें, ये डी आई वाइटर हो गए ग्राउंड स्टेट में, एनर्जी है यहां पर इस फिल्टर क्रिस्टल फील्ड है, ठीक है। तो ये ब्रेक होगा, अब यहां पर एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा बच्चों उसको कहेंगे डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है सेपरेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे टी टू जी, इसको कहेंगे टी जी, इस केस में टी जी की एनर्जी कम होगी, टी टू जी की एनर्जी ज्यादा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिगेंड जो होता है बच्चों एक्सिस के अलांग इंटर करता है, ठीक है, एक्सिस के थ्रू जाता है, एक्सिस पर दो ही ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसलिए उनकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, और जो एक्सिस के बीच बीच में होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। यहां पर जो ये एनर्जी का डिफरेंस आता है बच्चों ये क्या करते हैं यहां से मिला दें तो यहां से यहां तक का जो एनर्जी होगा उसको कहेंगे 3/5 और ये 2/5, ठीक, किसका आप डेल्टा टी। अब देखें तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी कैपिटल नहीं है इस्तेमाल देता है, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 आप डेल्टा टू, ये फार्मूला है, फार्मूले को याद रखें। ठीक है, अब यहां पर जो वही चीज होती है वीक फील्ड लिगेंड है, डार्क फील्ड लिगेंड है, ये दिमाग है कि D4 D3 है D2 है तो
ठीक होगा, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एजी टू टी टू जी जी, और डी थ्री होने पर दो कंडीशंस आते हैं, एक होगा एजी टू टी टू जी वन और एक हो सकता है एजी थ्री टी टू जी जीरो। ओके, ठीक। अच्छा बच्चों, ये उस केस में होगा जब वीक फिलर लीकेज होगा, ऐसा होगा वीक फील्ड लीगेंड होगा, और ऐसा तब होगा जब स्ट्रांग फील्ड लीगेंड होगा, ठीक है। मिटारा जाए, मिटारते हैं, मिटाते हैं, पास करके नोट कर लेना है। तो बच्चों, क्रिस्टल फिल्म थ्योरी यहां पर समाप्त हुई। अब इसमें कुछ एक दो टॉपिक है, उसको मैं टॉपिक्स जो है खत्म करता हूं। तो एडिंग लगा लें कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कम फॉर्म्स, कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कलर होता है। ओके, क्यों होता है ये सारी बातें, ले लेते हैं एग्जाम्पल बच्चों। TiH2O6 टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3+, ठीक है। तो टाइटेनियम का बेरिलियम टाइटेनियम 22 होता है, 22 आर्गन 3D2 4S2, ठीक। तो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आर्गन 3D1 4S0, एक इलेक्ट्रॉन बचा डी वाले में। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा, यहां पर मैं बना रहा हूं ये 5R2 स्क्रीन है, रीजनरेट कर लीजिए, ठीक है। अब इसका स्प्लिटिंग होगा, तो हेक्सा वाला है ऑक्टाहेड्रल है, इस तरह से होगा ये T2G और ये EG, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, थोड़ी सी एनर्जी इसको मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये शिफ्ट कर जाता है यहां, ठीक है। फिर जो है एनर्जी रिलीज करके वापस आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला जाता है,
ट्रिकुलर कलर्स को कहा जाता है, पर्टिकुलर कलर को कहता है। ठीक है, तो T2G1 है, T2G1 से ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, EG1 EG0 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो रहा है, T2G0 EG1, इसको हम कहते हैं DD ट्रांजिशन, इसको क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन से कहा जाता है, DD ट्रांजिशन। ठीक, डीडी ट्रांजिशन जो होता है, ठीक है ना, कलर के लिए रिस्पांसिबल होता है। डीडी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन के कलर के लिए रिस्पांसिबल होता है। यदि क्वेश्चन आएगा व्हाई डू पॉलीमर कंपाउंड्स हो कलर, बताएंगे ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। ओके मिटाते हैं, जल्दी मिटाते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वाई क्वेश्चन है, वाई MICN4 पर 2-3 डायमैग्नेटिक Y NICL4 is paramagnetic. Okay. So why? टेट्रासाइनाइडो निकेल इज डायमैग्नेटिक एंड टेट्राक्लोराइडो निकेल इज पैरामैग्नेटिक। ओके, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, निकल 4-2 यहां पर हम बनाते हैं निकल Cl4-2-. ठीक, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा, निकाल सकते हैं x मान लेंगे -4=-2, x = +2। ठीक, तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 22 28 होता है कार्बन नंबर। ठीक है, आर्गन 3D8 4S2, निकल डबल पॉजिटिव तो हो जाएगा आर्गन 3D8 4S2। ठीक, अब देखते हैं, तो ये डी में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये फोर एस फोर पी, ठीक। तो देखो कि बच्चों साइनाइड जो है ना सी एन इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या कराएगा, वो पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। डी वाला जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर उसको पेयरिंग करा देगा, ठीक। ये थ्री डी हो गया, फोर एस हो गया, फोर पी हो गया, ठीक है। तो डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा, डी एस पी टू, डी एस पी टू, ठीक। तो पेयरिंग हो गई यहां पर जो है, इसीलिए ये डायमंड होता है। जतिज वायु, जतिज वायु इट इज एन आई सी एन फोर टू माइनस इज डायमंड, चीजें होंगी। लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉनिकल निकल का जो है हम बना दे रहे हैं थ्री डी, क्रिएट इलेक्ट्रॉन्स, फोर एस सिंगल रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक है, फोर बी हो इलेक्ट्रॉन, ये निकल डबल पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। देखो तो यहां पर सीएल जो है, सीएल इज वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, डी के जो है पेयरिंग नहीं होगा। थ्री डी फोर एस फोर पी पेयरिंग नहीं होगा, अनपेयर्ड ही रह जाएगा। तो यस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अब देखा क्योंकि तो प्रेजेंट आप अनपेयर देखा ड्यू टू प्रेजेंस आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन निकेल एन आई सी एल फोर डबल नेगेटिव इस पैरा मैग्नेटिक, क्लियर। ये पैरा मैग्नेटिक और ये डाया मैग्नेटिक स्ट्रांग फील्डिंग साइनाइड स्ट्रांग फील्डिंग इट फोर्स द इलेक्ट्रॉन टू पेयर, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट हियर, सो इट इज द डाया मैग्नेटिक। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन इज अ वीक फील्डिंग इट कैन नॉट फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर, सो देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो इट इज पैरा मैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एन आई सी एल फोर इस पैरा मैग्नेटिक कॉइल, पैरा मैग्नेटिक कॉइल एन आई सी ओ फोर इज डायमैग्नेटिक, जो बोथ आर अट्रैक्टेड, जो बोथ आर टेट्राहेड्रल,
वाई ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए NiCl4 टू माइनस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन करेंगे या नाइट और पॉजिटिव का तो हो जाएगा आर्गन 3D8 0 ओके। अब देखेंगे तो डी में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 पेयर्ड होंगे और 2 अनपेयर्ड ठीक। अब देखें यहां पर Cl, Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड ठीक है, इट कैन नॉट फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर। तो क्या होगा यहां पर जो फोर एस होगा और फोर बी होगा ये जो होंगे हाइड्रेशन में यूज हो जाएंगे ठीक है। फोर एस फोर बी वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे थ्री वाले तो वैसे ही रहेंगे ये 3D, ये 4s, 4p, इन लोगों का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ठीक। अब देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ऑन द अदर हैंड NiCO4 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है ठीक है। यहां पर CO जो है CO इज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ओके, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। F जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल 28 आर्गन 3D8 4S2 4P0 तो D में 8 इलेक्ट्रॉन दिखला देंगे ये 3D हो गया, ये 4S में 2 इलेक्ट्रॉन दिखला देंगे और ये 4P है ये पट्टी वैलेंट है। लेकिन यहां पर देखें CO इज ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ये क्या करेगा यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन को भेज देगा 3D में ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, सब पेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, डी वाले कंप्लीटली पेयर्ड हो जाएंगे, ये 3D हो गया, 4s वाला बैकेंड हो गया, 4p वाला भी बैकेंड। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिससे कि इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल से ठीक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स लो स्पीड कॉम्प्लेक्स करेंगे ठीक, यह इसका सलूशन है। थैंक यू।